प्यार में लोग अपना वजूद खो देते हैं और इसने अपना देश खो दिया है। वाह 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 वाह। मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। देखो यार, प्यार में गिरना तो ठीक ठाक लगता है, बट प्यार में गिर के बिल्कुल रायते की तरफ फैल जाना ये सही नहीं है। नहीं, पहले तो सिर्फ सुना था प्यार अंधा होता, बस आज देख रहे हैं, आंखों आंख देख रहे हैं कि सच में प्यार अंधा ही होता है। हमारी पबजी गेम से स्टार्टिंग हुई 2020 से लेकर हम बात करते रहे, खाना पीना हमारा सब कॉल पे ही साथ होता था, बगैर कॉल के हमें नींद ही नहीं आती थी। प्यार लोगों का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान का हिसाब बराबर बराबर हो गया। नहीं यार, देखो हिसाब तो बराबर नहीं हुआ, हमें तो पूरा पाकिस्तान चाहिए। पता नहीं क्या पहले ही तुमने मूवी ऑफर शुरू कर दिया, मतलब इंडिया में क्या लोग मर चुके हैं? प्लीज ये अच्छा। नमस्ते दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल लवली पांडे व्लॉग। मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, प्यार किया तो निभाना प्लीज ये अच्छा। तो अब हम बिना किसी रुकावट के और आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी, भारत माता की जय। तुम सारे मिलके बोलो भारत माता की जय। वीडियो में आगे बढ़ने पहले मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दो, फिर हम धीमे धीमे गति से आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, जिसमें पूरी दुनिया इंटरेस्ट ले रही है, तो मुझे लगा मुझे भी इंटरेस्ट लेना चाहिए वीडियो बनाने में। और आज का जो टॉपिक है, जो रोस्टिंग है, बहुत ही अच्छे टॉपिक पे है, वो है तो सीमा जो है वो मरने मिटले के लिए तैयार है हमारे सचिन के लिए। सचिन कौन से जन्म का पुण्य किया था या पाप किया था? तो देखो यार, पुरानी भूली भटकी आज मुझे एक कहावत याद आ रही है कि प्यार अंधा होता है। देखिए, करते हैं मोहब्बत इनसे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर। मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो नहीं, मुझे नहीं, मारो यार, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। पहले तो सिर्फ सुना था प्यार अंधा होता, बस आज देख रहे हैं, आंखों आंख देख रहे हैं कि सच में प्यार अंधा ही होता है। क्योंकि बहुत ही ट्रेंडिंग लव स्टोरी चल रही है इन इंडिया एंड पाकिस्तान। यार सुना था पहले प्यार में लोग पागल होते हैं, अब तो प्यार में पागल हुए लोगों को देख भी रहे हैं। मतलब ऐसा क्या प्यार का खुमारी चढ़ गया यार। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हमारी पबजी गेम से स्टार्टिंग हुई 2020 से लेकर हम बात करते रहे, खाना पीना हमारा सब कॉल पे ही साथ होता था, बगैर कॉल के हमें नींद ही नहीं आती थी। तो ये जो हमारी सीमा भाभी है, ये है पाकिस्तान की रहने वाली, और ये कहती है सिर्फ क्लास 5 तक ये पढ़ी लिखी है, बट इन्हें इतना ज्ञान है कि ये वीजा लगवा के, पासपोर्ट लगवा के इन्होंने सीधा ये दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, नेपाल से इंडिया आ गई। ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 5 तक पढ़ी लिखी है। तो यार देखो, मुझे तो कुछ ना कुछ झोल लगता है इसमें। प्यार है नहीं है वो तो सचिन बताएगा, बट ये मुझे प्यार में झोल लगता है कहीं ना कहीं। और देखो यार, प्यार करोगे प्यार में तो झोल तो मिलता ही मिलता है। हाँ, इनको लोग कहते थे अरे पाकिस्तान लड़कियाँ फ्रॉड होती हैं, एजेंट होगी गई। हाँ, ऐसे इनको लोग कहते थे। हालांकि मुझे मतलब थोड़े पैसे कम हो गए मेरे पास, तो ये मुझे भेजने के लिए इन्होंने कोशिश करी, किसी से मांगे, तो कहा यार छोड़ दे, आना होगा तो आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान लड़की को भेज रहा है। इस तरह इनको कहा गया कि फ्रॉड होगी, तेरे से पैसे लेके आएगी। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में किसी को हिंदी अच्छे से बोलने नहीं आता है, बट ये मैडम इतनी अच्छी हिंदी बोलती है कि इंडिया में रहने वाला बंदा भी इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल सकता है। अच्छा बात नहीं है। तो हमारी एक इंडिया की और महारथी लड़की थी, जिनको प्यार की याद आ गई और प्यार के चक्कर में पाकिस्तान पहुंच गई। तो कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान का हिसाब बराबर बराबर हो गया। नहीं यार, देखो हिसाब तो बराबर नहीं हुआ, हमें तो पूरा पाकिस्तान चाहिए। समझ रहे हो? तो सीमा मैम साहब को लग रहा है कि इंडिया हमारे बहुत जायस्ती हो रहा है, उन्हें बहुत लोग सता रहे हैं, बहुत रुला रहे हैं। तो बहन, तुम्हें पहली बात हम ये बता दें कि हमारे इंडिया की कोई लड़की तुम्हारे पाकिस्तान में जाती है ना, हमारा कोई बंदा चला तुम तो सीधा काट के फेंक देते हो, तो हम फिर भी बहुत अच्छे हैं तुम्हारे से, एटलीस्ट हम पूछताछ सिर्फ कर रहे हैं तुम्हें।
यार प्यार में लोग गिरते हैं लेकिन ये तो बिल्कुल फैल चुके हैं। देखो यार प्यार में गिरना तो ठीक ठाक लगता है, बट प्यार में गिरकर बिल्कुल रायते की तरफ फैल जाना ये सही नहीं। समझ रहे हो, समझ रहे हो? सीमा का जो पति था वो लेडी मैरिड था, तो उसका डाइवोर्स करवा के इसने उससे शादी करी, फिर उसको भी छोड़ के अब ये हमारे सचिन के पास है। नहीं, मैं नहीं मानता। हाँ गेम तो इन्होंने वैसे अच्छी ही खेली है। इंडिया में क्या होता है ना, हम दिल के बहुत अच्छे लोग हैं यार। और देखो अब सीमा हैदर आया नहीं यार, उनके बारे में सीमा के बारे में पता तो कर लो सही से, बंदी है क्या चीज यार। पहले तुम मतलब पता नहीं क्या, पहले ही तुमने मूवी ऑफर शुरू कर दिया। मतलब इंडिया में क्या लोग मर चुके हैं, हीरो हीरोइनों की कमी लग चुकी है तुम्हारे पास, जो सीमा को ही तुम्हें मूवी में लेना है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं यार इंडिया में लोगों को हो क्या गया यार, जिसको देखो इंडिया के बाहर ही जा रहा है या फिर इंडिया के बाहर से लोगों को लेके आ रहा है, क्या हो गया? इंडिया में सारे मर चुके हैं, इंडिया में और कोई बचा नहीं है अब। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब, अरे मैं लड़की चले गए। यार देखो सुनने को तो मिलता था लोग प्यार में कुछ भी कर जाते हैं, बट देख पहली बार में रहे हैं सचिन, आपने ये प्रूफ कर दिया कि प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। यार ये बंदी क्लास 5 तक पढ़ के इतनी बड़ी 4 सरहदे पार करके यहाँ इंडिया आ गई, हमें तो यार कोई बोल दे जा वो सरोजनी के मार्केट चल जा, हम तो उसकी गली में जाके भूल जाते हैं, थू है हमारे ऊपर। समझ रहे हो, समझ रहे हो? भारत माता की जय। समझ रहे हो, समझ रहे हो? यार देखो जो सीमा की बातें हैं, कुछ बातें सुन के तो लगता है कि बहुत मासूम और बहुत अच्छी है, बट यार कुछ बातों पे बहुत लॉजिकल वाली चीजें हैं कि यार आप क्लास 5 तक पढ़े हो, आप 3 सरहदे पार कर यहाँ आ रहे हो, आप हिंदी इतने अच्छे से बोलते हो और आप बिल्कुल ही किसी मीडिया से डरते नहीं हो, इतने अच्छे से बातें करते हो, हर बात का रिप्लाई करते हो, ये चीजें थोड़ी सी खटकती है। और हाँ इंडिया हमारा जो भी लेगा फैसला उसमें हम उसके, तुम इतने में ही रोना स्टार्ट कर दिए, तुम इतने में ही रोना रहा, हमारे पाकिस्तान हमारे देश से कोई गलती से भूला भटका इंसान पाकिस्तान में पैर रख देता है, तुम उनका जीना हराम कर देते हो। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। प्यार में लोग अपना वजूद खो देते हैं और इसने अपना देश खो दिया है, वाह 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 वाह। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। यार देखो यार प्यार इतना ही करो जितना हजम हो जाए, इतना प्यार मत करो कि तुम्हें उल्टी दस्त और हैजा फैल जाए। 4 बच्चों की माँ होते हुए भी इतना ज्यादा प्यार, OMG। तो यार सचिन देखो अब तुम लकी हो अनलकी हो तुम खुद डिसाइड कर लो। समझ रहे हो, समझ रहे हो? शायद सचिन में ऐसा क्या था जो सीमा वहां से अपना देश छोड़ के आ गई, इस बात का सीमा भी जवाब नहीं दे पाएगी, उससे बहुत बार पूछा गया बट वो इस बात का जवाब नहीं दे सकती। सॉरी 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 सॉरी। यार पबजी से इतना प्यार, छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि यार तो गदर 2 मूवी देखनी थी, सीन क्रिएट नहीं करना था, सच में से वहां से लेके नहीं आना था किसी को। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। तो यार देखो जो सीमा का पति हैदर है वो कह रहा है कि इसने मुझे तलाक नहीं दिया था, ये भाग गई। तो यार तुम्हारे में क्या करना यार, बोल तो रही है वो तलाक तलाक, मान लो तलाक 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 हो गया, तलाक क्या करना अब, वहां से वीडियो कॉल पे तुम बोल दो, ये बोल दो कि बात खत्म करो, क्या इतना रोंटा मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए कभी अच्छा नहीं रहा है, तो फिर भी हम पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे हैं, जो आप यहाँ पे आके आराम से रह रहे हो हम बहुत ही अच्छे हैं, और जो भी हमारा गवर्नमेंट करेगा वो हमारे लिए अच्छा है और हम उसके साथ हैं। ये लाइन सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स के लिए, तुमने जिंदगी में ऐसा क्या तीर मारा है सचिन, सचिन को देखो, सचिन को सीधा पाकिस्तान से लड़की भाग के ला रहा है और तुम सारे अरेंज मैरिज कर रहे हो, तुम्हारे इंजीनियरिंग पे थू है, तुम सारी पाकिस्तान की लड़कियों को इंडिया में लेके आ जाओ फिर हम माने। समझ रहे हो, समझ रहे हो? पूछा आपका घर तो कई लोग मुलाकात, डर नहीं था आपके अंदर जैसे मोहल्ले में कई लोगों से हमने पूछा आपका घर तो, कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि एजेंट तो नहीं है कहीं? नहीं सर, वो पहले मैं ऐसा ही सोचता था कि वहाँ की लड़कियाँ सब ऐसी होती हैं, यानी जैसे यार सब तो ठीक है, बेचारी की शक्ल देख रहे हो कैसी बन गई है, बिल्कुल ऐसा हड्डी सा हो गया हमारा सा। एक तो ये कुछ बोलेगा ना पता नहीं सीमा को क्यों देखता रहता है, ऐसा लगता है सीमा इसको पूरा पढ़ा के तोते की तरह बैठाई हुई है ऐसे देख देख के देख देख के।
सब तो ठीक है, तुम सारे ये बता दो कौन कौन पबजी लवर और है। तो यार जो भी पबजी लवर हो ना, थोड़ा संभल के भाई, कुछ ऐसा है तो देश की बात देश में ही रखो, बाहर जाने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो, समझ रहे हो। प्यार में दिल तो सब देते हैं, जान तुम्हें दे देंगे हम, ओ जानम बहुत बढ़िया मुन्ना। प्यार ऐसी चीज होती है कि लोगों को ले डूबती है, और ये प्यार ने ले डूबा। देखो यार बाकी के जितने भी पबजी लवर हो ना, अपने भारत माता में ही रह लो, लव स्टोरी भारत माता में ही बना लो, इतनी सरहदें क्यों पार कर ले। तो गेम से हमारी शुरुआत हुई, गेम से व्हाट्सएप से फिर मैसेंजर, फेसबुक बात होना शुरू हो गई। अरे सचिन क्या कहना चाहते हो ऐसी स्माइल देके? बहुत प्राउड फील हो रहा होगा। ऐसी स्माइल मत दो, हमें ऐसी स्माइल से डर लगता है भाई, डर लगता है। लोगों का आरोप है कि आप शायद जासूस हैं, क्योंकि जब लोगों ने सुना कि आप पाकिस्तान से हैं तो लोगों ने कहा कि आप जासूस हैं। तो क्या आपका ISI से कोई कनेक्शन है या कुछ ऐसा है? मुझे ये पता भी नहीं कि ISI होता क्या है। यहाँ आगे सुनने को मिल रहा है बहुत ज्यादा कि हम लोग घर में रहने वाले हैं। आम वाह बेटी वाह, ISI नहीं पता, तुम वहां से इंडिया आ गई, तुम्हें ISI नहीं पता। वाओ, नहीं पता था तो इतना बड़ा जब प्यार के लिए कदम बढ़ा लिए, इतने बड़े गिर पड़े गड्ढे में, तो कुछ तो पता करके आते। एक बात तो मतलब इस बातों से ना इन्होंने एक बात तो बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर दिया है, प्यार करने वाले जो होते हैं वो दिमाग खो देते हैं। प्यार करने वालों के पास दिल होता है बट दिमाग खत्म हो जाता है। वाह 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 वाह, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो आप किन के साथ आपका फ्यूचर हो पाएगा? जी मैम हो पाएगा, और बच्चों को मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, और इसको भी एक्सेप्ट कर चुका हूँ, और घर वाले भी हमारे एक्सेप्ट कर चुके हैं, बहुत खुश हैं। खुद बच्चा, आप तो खुद अभी बच्चे हैं। देखने में बच्चा हूँ, आप है 31। समझ रहे हो आप। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अगर मैं एक फोटो अपना इंस्टाग्राम पे रील बनाती थी तो हमेशा प्राइवेट ही रखती थी कि कहीं कोई देख ना ले, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता। मैं बलोच कबीले से हूँ, तो बलोचों में तो फोटो अपलोड करना भी क्राइम, मतलब अपने नाम से ID भी हम नहीं बना सकते थे, इसलिए मैं। यस आई कैन अंडरस्टैंड, तुम 4 या 10 शादियाँ, कितनी भी तुम शादियाँ कर सकते हो, बट तुम एक फोटो पे इंस्टा और पे एक फोटो और वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। तो सचिन के साथ भी क्या ऐसा ही होता? इतने ही अच्छे से लोग पेश आते जितना आपके साथ हुआ, तो अब क्या होता? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, इसका उल्टा ही हो सकता था, क्योंकि हमारे यहाँ गैरत की बात ज्यादा मानी जाती है, तो ये तो हिंदू थे तो इनके साथ बहुत बुरा होता। यही वजह है कि सचिन को मैंने पाकिस्तान आने से मना किया था, ये भी आने को तैयार थे, ऐसा नहीं है, पर मैंने ही इनको मना करा था कि नहीं, क्योंकि इनके हाथ पे भी ओम लिखा हुआ है, और इनके साथ अगर ये पकड़े जाते इस तरह तो बहुत बुरा होता, शायद सचिन दिखते भी नहीं। यार देखो सब मिला जुला के सब बात की एक बात है, हमारा देश जिंदाबाद, तो हमारे देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारा देश बहुत अच्छा है, देश प्रेमी है हम, बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, दिमाग से भी बहुत अच्छे हैं, हर चीज से हम बहुत बेस्ट हैं। सो दैट हम तो ये बात देखो अब पाकिस्तानी भी मान रहे हैं, जितनी भी वहां पे लेडीज आती जाएंगी हमारे इंडिया में, वो अब ये चीज देखो कबूल कर रही हैं, उन्हें पता है ये चीज कि हमारा इंडिया बहुत अच्छा है। यह सब तो ठीक है, लेकिन ये सचिन को देख के ना सच में लगता है प्यार में फैल चुका है ये बंदा, बिल्कुल ही मतलब इंटरव्यू हो, कुछ भी इंटरव्यू होता है, वो सीधा उसकी गर्दन ऐसे होती है सीमा की तरफ, कंटिन्यू सीमा को ऐसे देखता रहता है, ही डोंट हैव एनी रिएक्शन, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सीमा। देखो यार इन्होंने इस चीज को प्रूव भी कर दिया, दिमाग से चलोगे हमेशा सुखी रहोगे, दिल से चलोगे हमेशा दुखी रहोगे। तो यार देखो दिमाग से चलना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने यार दिल से चला, देखो कहाँ आके फंस गए, जेल में जाके बैठे हुए, कोई मतलब नहीं है, दिमाग से चलो। भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, अभी तुम कहाँ हो, निकलो गड्ढे से, निकलो आगे बढ़ो जिंदगी में।
शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भैया हम तो पीछे ही ठीक है। तो देखो यार, वीडियो के लास्ट में एक बात कहना चाहूंगी, प्यार करो भरपूर करो, प्यार करो भरपूर करो, बट प्यार में गिरना मत, गिर भी जाना बट फैलना मत। वाह 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 वाह, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। सो नाउ माय वीडियो इज ओवर, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए करते हैं मोहब्बत इनसे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो।